नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 17 जून गुरुवार का दिन है। प्रदेश भर की अहम खबरों की जानकारी इस बुलेटिन में। शुरू करेंगे बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। घर आए अनुपम खेर, कुछ दिन शिमला में ही बिताएंगे। आधी रात को रेस्क्यू किए मनाली काजा मार्ग पर फंसे पर्यटक, मनाली लेह मार्ग आज बंद। हिमाचल में हर श्रेणी के शिक्षक बनने के लिए अब टेट होगा अनिवार्य। अब नहीं चढ़ने होंगे पहाड़, खराब इंटरनेट से जूझ रहे बच्चों को घर द्वार मिलेंगे नोट्स। 6 सदस्यीय प्राधिकरण करेगा निजी स्कूल की फीस शिकायतों का निपटारा। हिमाचल के 7 HAS को IAS अफसर बनने पर लगी मुहर, 10 दिन में मिलेगी अंतिम मंजूरी। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ट्विटर इंडिया के MD के खिलाफ शिकायत, पुलिस कर रही जांच। कोरोना के इस दौर में हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में मॉनसून की जोरदार बारिश के बीच मनाली काजा मार्ग पर फंसे 35 पर्यटकों को पुलिस व प्रशासन की टीम ने आधी रात को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। खराब मौसम के चलते मनाली काजा मार्ग पर ग्राफनू से 9 किलोमीटर दूर छतड़ू के पास भूस्खलन हो गया था, जिसके कारण आवाजाही बंद हो गई थी। लाहौल स्पीति पुलिस टीम को जब इन पर्यटकों के फंसने की सूचना मिली तो रेस्क्यू टीम के साथ घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। वहीं पर BRO की टीम के साथ मिलकर यहां पर फंसे 35 लोगों को आधी रात 12:30 बजे रेस्क्यू किया गया। उधर मनाली रेहे रोड बारालाचा के पास भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। BRO मार्ग को साफ करने पर काम कर रहा है और सामान्य यातायात फिर से शुरू किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर अपने घर शिमला आए हैं। वे कुछ दिन अपने पैतृक निवास में ही बिताएंगे। अनुपम खेर बीते कुछ समय से पत्नी किरण खेर के साथ समय बिता रहे थे, वे बीमार चल रही हैं। इसी बीच जैसे ही कोरोना का कहर कुछ कम हुआ तो खेर ने अपने घर यानी हिमाचल का रुख किया। वे चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होकर सोलन पहुंचे, वहां अपने पुराने दोस्त अनिल दत्ता के घर भी गए। इस दौरान अनुपम खेर की माता दुलारी खेर भी उनके साथ थी। अनिल दत्ता व अनुपम खेर शिमला में साथ पढ़े हैं और अब अनिल दत्ता राजगढ़ रोड स्थित कोटला नाला स्कूल में रहते हैं। अनुपम खेर ने अपनी मां के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट व सोलन पहुंचने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए जल्द ही सभी श्रेणियों का टेट पास होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी JBT और TGT के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का पास होना जरूरी है। प्रवक्ता DPE सहित कई अन्य श्रेणियों को भी टेट के दायरे में लाने की सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में नई व्यवस्था लागू करने के लिए शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट बैठक के टेट को 7 वर्ष की जगह उम्र भर मान्यता करने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को भी लागू करने का प्रस्ताव रखा जाना है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी बदलाव के लिए सरकार के स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। हिमाचल में ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी से जूझ रहे बच्चों को अब घर पर ही नोट्स में जाएंगे। ये जानकारी बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों से इंटरनेट कनेक्टिविटी से जूझ रहे स्कूलों का ब्यौरा 1 सप्ताह में देने को कहा है। इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों की पढ़ाई को सुचारू तौर पर चलाने के लिए नोट्स उनके घर द्वार पर पहुंचाए जाएंगे। इस दौरान CM जयराम ठाकुर की स्कूलों को लेकर की गई विभिन्न घोषणाओं पर चल रहे कार्यों की भी जानकारी देने को कहा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा,
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए प्रदेश स्तर पर एक प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटियों की कार्यवाही से असंतुष्ट लोग इस प्राधिकरण के अध्यक्ष उच्च शिक्षा निदेशक को शिकायत कर सकेंगे। प्राधिकरण का उच्च शिक्षा निदेशक को अध्यक्ष बनाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक इसके सदस्य होंगे। संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। अध्यक्ष की ओर से 3-3 वर्ष के लिए 3 लोगों को बतौर सदस्य इसमें मनोनीत किया जाएगा। निजी स्कूल फीस नियंत्रण को लेकर बनाए गए विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है। 20 जून तक आम जनता से इस बाबत सुझाव भी मांगे गए हैं। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की बैठक में हिमाचल के साथ एचएएस को आईएएस अफसर बनाने पर मुहर लग गई है। हालांकि इस पर अंतिम मंजूरी 10 दिन बाद मिलेगी। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खाची व कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी मौजूद थे। इंडक्शन प्रक्रिया के तहत औपचारिक तौर पर अश्विनी राजशाह, कुंदुम सिंह, विनय सिंह, हरबंस सिंह ब्रासकोर, रीमा कश्यप, शुभकरण व सुमित खिमटा के नाम को मंजूरी प्रदान की गई। अब आयोग से अंतिम मंजूरी से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास फाइल आएगी। इसके बाद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय नए आईएएस अफसर के नाम की सूची जारी करेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी। पिछले 6 माह से कोरोना संक्रमण के कारण ये प्रक्रिया टलती रही है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के बाद दाढ़ी काटने के बारे में वायरल वीडियो का मामला ज्यादा गर्मा गया है। मामले में दिल्ली पुलिस को एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी व अन्य के खिलाफ तिलक नगर थाने में शिकायत मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, AIIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है। उन्होंने लोनी बॉर्डर थाने में शिकायत देकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।